हम सब 25 तारीख का जो प्रोग्राम है, 17, 18, 19 क्रिसमस का प्रोग्राम और फिर 22 तारीख का प्रोग्राम और फिर 25 तारीख का प्रोग्राम और क्रिसमस के प्रोग्राम्स में हम बहुत ज़्यादा व्यस्त हो चुके हैं ऑलरेडी। अभी से हम बहुत बिजी रहने वाले हैं, हमको बहुत सारी तैयारियां करनी है, बहुत सारा काम करना है हमें। लेकिन क्रिसमस का त्यौहार है क्या? क्रिसमस का त्यौहार है जब हम यीशु मसीह जब पहली बार मनुष्य बन के 2018 साल पहले जब इस दुनिया में आए, उस दिन को हम याद करते हैं। क्रिसमस क्या है? प्रभु यीशु मसीह के जन्म को याद करते हैं, जब परमेश्वर जो शुरू से जीता है, राज्य करता है, जब दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, आपको और मुझको बनाया, जब 2018 साल पहले जब वो मनुष्य का रूप लेके इस दुनिया में आया, उस त्यौहार को हम क्या कहते हैं? क्रिसमस का त्यौहार कहते हैं। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, एक समस्या है, प्रॉब्लम क्या है? पहली बार जो क्रिसमस था, जो पहला क्रिसमस था जब यीशु मसीह इस दुनिया में मनुष्य बन के आया था, उस क्रिसमस को मनाने के लिए हम इतना व्यस्त हो जाते हैं, इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि एक अंतिम क्रिसमस, एक और क्रिसमस, एक दूसरा क्रिसमस भी बाकी है। पहली बार यीशु मसीह मनुष्य बन के इस धरती पे आया, उसकी तैयारियों में इतना बिजी हो गए कि भूल जाते हैं कि वही यीशु मसीह दोबारा भी इस दुनिया में आने वाला है। इसलिए हमको पहले क्रिसमस के बारे में इतना व्यस्त नहीं होना जितना हमें दूसरे क्रिसमस के लिए तैयारी करनी है। आपको मालूम है जब पहला क्रिसमस हुआ, जब यीशु मसीह 2000 साल पहले इस दुनिया में आया, आपको मालूम है कोई भी यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार नहीं था। किसी हद तक उसके माता पिता भी तैयार नहीं थे पहले क्रिसमस के लिए। यीशु मसीह जब मनुष्य बन के दुनिया में आया, कोई तैयार नहीं था और उसके लिए अब हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। पर एक सवाल है, जब यीशु दोबारा आने वाला है, क्या उस क्रिसमस के लिए हम तैयार हैं? मेरे भाइयों बहनों, दो क्रिसमस हैं, एक क्रिसमस नहीं है। कितने हैं? दो क्रिसमस, जब यीशु पहली बार आया और जब यीशु दूसरी बार आएगा। उस यीशु मसीह के दोबारा आने के लिए, पहली बात तो क्या हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह वापस दोबारा भी आएगा? जब हम किसी को बताते हैं तो शायद लोग हंसते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मैं आपकी बात कर रहा हूं। डू यू बिलीव, क्या तुम विश्वास करते हो कि यीशु वापस आने वाला है, या आपके लिए केवल ये एक किस्सा है, एक कहानी है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? कहीं ऐसा तो नहीं है? क्या आप मसीही विश्वास की एक इतनी मूलभूत बेसिक बात को क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह का वापस आना तय है? दो क्रिसमस हैं और उस पहले और दूसरे क्रिसमस में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। आपको मालूम है पहले क्रिसमस में, 2000 साल पहले वाला जो क्रिसमस था, उसमें यीशु मसीह किस रूप में आया? किस रूप में आया? मनुष्य के रूप में आया, लेकिन किस रूप में आया? एक बालक के रूप में आया, एक कुंवारी के द्वारा जन्म लिया, एक छोटे गरीब से नन्हे से बच्चे के रूप में दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर प्रकट हुआ। लेकिन जो दूसरा क्रिसमस होगा, यीशु मसीह एक बच्चे के रूप में नहीं, हालेलुया, किस रूप में आएगा? एक राजा के रूप में आएगा। ये फर्क है। पहली बार वो आया बालक बन के आया, दूसरी बार आएगा एक राजा बन के आएगा। जब वो पहली बार आया क्रूस पर हमारे पापों के लिए मरने के लिए आया, पर जब वो दूसरी बार आएगा शासन करने के लिए, राज्य करने के लिए और फैसला और न्याय करने के लिए इस दुनिया में आएगा। ये फर्क है। हमारी जिंदगी में क्या होता है? पहले क्रिसमस में लगे रहते हैं हम। यीशु मसीह पैदा हुआ, यीशु मसीह मनुष्य बन के आया, उसी में हम लगे रहते हैं, भूल जाते हैं कि एक दूसरा क्रिसमस भी बाकी है भैया, उसकी तैयारी करनी है, यीशु के वापस आने की तैयारी करनी है। जब यीशु पहली बार आया तो कहा जाता है कि तीन वाइज मैन, बुद्धिमान लोग, तीन पंडित लोग, तीन राजा लोग यीशु के सामने नतमस्तक करने के लिए आए थे। लेकिन अंतिम क्रिसमस में तीन नहीं आएंगे, दुनिया के सारे राजा प्रभु के सामने अपना माथा टेक देंगे। हालेलुया। ये फर्क है, ये अलग अलग तरह का फर्क है। पहला क्रिसमस, अभी हम क्या करने वाले हैं? हम यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने वाले हैं क्रिसमस में। करने वाले कि नहीं करने वाले हैं? पहले क्रिसमस में हमें सुसमाचार प्रचार करना पड़ता है, दूसरे
क्रिसमस पे जब यीशु वापस आएगा हमें कोई प्रचार की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लोग बादलों पे यीशु को आता हुआ अपनी आंखों से देखेंगे। जिसने देख लिया उसको बताने की जरूरत नहीं होती। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, पहले क्रिसमस में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं हम, हर साल व्यस्त हो जाते हैं। आज 2 दिसंबर है, ये पूरा महीना हम लगे रहेंगे क्रिसमस के कामों में, लेकिन ये नहीं भूलना यीशु मसीह दोबारा भी इस दुनिया में आने वाला है। ये जो बाइबल है ना, पवित्र शास्त्र, जो खुदा का वचन है, प्रभु का वचन है, इसमें साफ साफ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है वो वापस आएगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं यीशु के दोबारा आगमन होने के लिए? क्या आप तैयार हैं? बाइबल बताती है दुनिया खत्म हो जाएगी, ये युग जो है इस युग का अंत होने वाला है और यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में न्याय करने के लिए आने वाला है। क्या आप तैयार होंगे? प्रभु यीशु ने एक बार कहानी बताई, 10 कुमारियों की कहानी। वो 10 कुमारियों के बारे में प्रभु ने बोला कि वो 10 कुमारियां शादी में जाकर के दूल्हे का स्वागत करने के लिए वो गई थी। उन सब के हाथों में उनका लैंप था, उनका दिया था, लेकिन उनमें से 5 बुद्धिमान थी, 5 मूर्ख थी। जब दूल्हे का आना लेट हुआ, जब दूल्हा लेट हो रहा था तो सारी की सारी सो गई, 10 की 10 सो गई। लेकिन जब बैंड बाजे की आवाज सुनी कि दूल्हा आने वाला है, तो उनमें से 5 कुमारियां खड़ी हो गई, सारी की सारी खड़ी हो गई, लेकिन केवल 5 के पास उनके दिए के लिए तेल था, 5 के पास उनके दिए के लिए तेल नहीं था। ये प्रभु यीशु ने कहानी बताई थी, ये कोई यहां वहां से नहीं, ये प्रभु यीशु ने ये कहानी बताई थी कि जब बैंड बाजे की आवाज सुनी तो सारी उठ खड़ी हुई और 5 के पास तेल नहीं है। खाली दिया किसी काम का नहीं होता है। तो ये जो मूर्ख थी, 5 मूर्ख कुमारियां थी, इन लोगों से तेल मांगने लगी, हमें तेल दे। इन लोगों ने क्या बोला जिनके पास तेल था कि कहीं हमारे लिए कम ना हो जाए, तुम बाजार जाओ और तुम अपने लिए तेल खुद लेकर के आओ। जब वो उतनी देर में क्या हुआ, बारात आ गई और दरवाजा बंद हो गया। कहने का मतलब क्या है, यीशु इस कहानी के द्वारा क्या सिखा रहे थे? यीशु मसीह दुल्हा है, हालेलुया। इस संसार का राजा, मालिक, दुल्हा वो है, लेकिन क्या उसकी दुल्हन तैयार होगी? तैयार कौन है? जिसका विश्वास बना रहेगा अंत तक, हालेलुया। और यही जब पहला क्रिसमस आया, जब यीशु 2000 साल पहले परमेश्वर जब मनुष्य के रूप में आया, कोई भी तैयार नहीं था। लेकिन क्या आप तैयार होंगे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लिए? और यही वचन है जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ भाई। और प्रभु यीशु मसीह ने इस कहानी को बताया लूका 21 में, बातचीत इसी के बारे में हो रही है, यीशु के दोबारा आने के बारे में बातचीत हो रही है। यीशु और उसके चेले यरूशलम के मंदिर में खड़े हुए थे। आपको मालूम है यरूशलम का जो मंदिर था वो ना केवल बहुत बड़ा प्रार्थना करने का स्थल था, लेकिन वो एक जैसे हमारे लिए ताजमहल है, पूरी दुनिया जानती है, उस प्रकार उस समय में यरूशलम का जो मंदिर था वो दुनिया के अजूबों में से एक था, बहुत प्रसिद्ध था। क्यों? वो बहुत बड़ा था, बहुत शानदार था, बहुत भव्य था। यीशु और उसके चेले उस मंदिर के आंगन में खड़े थे। पता चेलों ने क्या बोला? जो यीशु के चेले थे यीशु मसीह को कहने लगे, यीशु मसीह देखो देखो ये मंदिर कितना खूबसूरत है। उनका ध्यान कहां पर था? मंदिर की बाहरी खूबसूरती पर उनका ध्यान था। लेकिन मंदिर किस चीज के लिए होता है? मंदिर में किसी की पूजा की जाती है, और मंदिर जिसकी पूजा के लिए बना हुआ था वो तो उनके साथ मनुष्य के रूप में खड़ा था, उसको वह पहचान नहीं पाए। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा ही होता है, हम केवल बाहरी खूबसूरती को, जीवन के बाहर की बातों पे हम इतना ध्यान देते हैं कि हम यीशु मसीह को अपने जीवन से बाहर कर देते हैं। मंदिर में परमेश्वर की आराधना होती थी, मंदिर परमेश्वर की आराधना के लिए था। कौन है वो परमेश्वर? यीशु मसीह, जो मनुष्य के रूप में उनके साथ ही खड़ा था, उनके साथ रहता, पीता, खाता, चलता फिरता था, उसको पहचान नहीं पाए। उनका ध्यान दुनिया की शानदार चीज़ों पे था, बाहरी खूबसूरती की चीज़ों के ऊपर था, यीशु मसीह पर उनका ध्यान नहीं था। आज भी कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं है कि आपका जीवन मसीही जीवन तो है, आप चर्च में बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, आप चर्च में बड़ी बड़ी सेवा करते हैं,
क्या तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह है? इज क्राइस्ट इन द राइट प्लेस ऑन द थ्रोन और नॉट? आपके जीवन के सिंहासन पे कौन विराजमान है? क्या यीशु आपके जीवन का मालिक बन चुका है? क्या यीशु को आपने अपना प्रभु, अपना सब कुछ बना लिया है? यीशु ने जब चेलों ने यह बात कही तो यीशु ने उनको मालूम है क्या कहा? यीशु ने कहा, चेलो तुम जिस मंदिर की बात कर रहे हो, कुछ ही सालों में ये मंदिर ढह जाएगा। और वही हुआ। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हुए, उसके 40 साल के अंदर अंदर, कितने 40 साल के अंदर अंदर यरूशलेम का मंदिर नष्ट हो गया। यीशु मसीह ने पूरा ब्यौरा दिया, मंदिर नष्ट हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने बताना शुरू किया, ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी और फिर मैं वापस आ जाऊंगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों को स्पष्ट सिखाया, मैं वापस इस दुनिया में आऊंगा। पहली बार वो एक बालक बन के आया और मरने के लिए आया, दूसरी बार वो राजा बन के आएगा और न्याय करने के लिए आएगा। और ये बात मैं आज आप लोगों को सिखाना चाहता हूं। वचन में हम इस बात को देखते हैं, लूका 21 का आप लोग 26 देख लीजिए कि वो क्रिसमस यीशु मसीह का आना कैसा होगा। 27 में देखते हैं, तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ के साथ बादलों पर बड़ी महिमा के साथ आते हुए देखेंगे। हालेलुया, सामर्थ के साथ बादलों पर बड़ी महिमा के साथ आते हुए देखेंगे। कौन? दुनिया के सब लोग देखेंगे। हालेलुया, यीशु मसीह बादलों पर सवार होकर वापस आने वाले हैं। इस प्रकार होगा ये क्रिसमस। पर मैं आपको आज दो बातें बताऊंगा, ठीक है? संसार के लोगों के लिए ये क्रिसमस कैसा होगा? जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए ये क्रिसमस कैसा होगा? देखो, आपने कभी देखा है कि क्रिसमस के समय में दुनिया का हर मॉल बड़ा सुंदर लगता है? हाँ या ना? क्या मॉल सजाया जाता है क्रिसमस? बताइए मुझे, कम ऑन, यस और नो? क्या वहाँ पे बहुत अच्छी लाइटें लगती हैं? क्या वहाँ बहुत अच्छा क्रिसमस ट्री लगाया जाता है? क्या सब लोग अपने बच्चों को लेकर के मॉल में फोटो खिंचवाने नहीं जाते हैं? क्या सारी दुनिया क्रिसमस नहीं मनाती है? सारी दुनिया पहला क्रिसमस मनाती है, लेकिन दूसरा क्रिसमस, अंतिम क्रिसमस सारी दुनिया नहीं मनाएगी। ध्यान से सुने 26 में क्या लिखा है। भय और संसार पर घटित होने वाली बातों की प्रतीक्षा करते करते मनुष्यों के हाथ पर ढीले पड़ जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। हाँ, लोग डर के मारे कांपने लग जाएंगे। वो जो BSI वाली बाइबल है इसमें पढ़ो 26, माइक देना उसको। सब लोग सुने, ध्यान से सुने, संसार के लोगों के लिए आज के जमाने का जो क्रिसमस है, अभी का जो क्रिसमस है, जो पहला क्रिसमस हम लोग मनाते हैं, दुनिया कैसे मनाती है? अभी हमने देखा, बताओ दुनिया कैसे मनाती है? दुनिया कैसे मनाती है? मॉल बहुत सुंदर होता है, करेक्ट, लाइटें लगती हैं, क्रिसमस ट्री लगता है, सेंटा क्लॉस होता है, लोग खूब मस्ती करते हैं। सारी दुनिया पहला क्रिसमस मना सकती है मौज मस्ती के साथ, पर दूसरा क्रिसमस जब वो वापस आएगा, ध्यान से सुने, सारी दुनिया नहीं मना पाएगी, सारी दुनिया इंजॉय नहीं करेगी, डर के मारे कांपेगी। साफ साफ लिखा है, दोबारा से पढ़ लीजिए। और भय के कारण, डर के कारण, और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा। हाँ। क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। समझ में आया पहला क्रिसमस, दूसरा क्रिसमस कैसा होगा? संसार के लिए जो मसीह पे विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए डर के मारे कांपने का समय होगा। मालूम है जब यीशु मसीह क्रूस पे मरा, तो जिस सिपाही ने यीशु मसीह को मारा था, उनमें से एक से, मतलब बहुत से सिपाही थे, एक सिपाही जो वहां पे खड़ा हुआ था, जिस समय यीशु मर गया क्रूस पर, उसी समय अंधकार छा गया, भूकंप आ गया। पता उस समय उस सिपाही ने क्या बोला? वचन में लिखा हुआ है, उसने बोला, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। और जब अंतिम क्रिसमस होगा, दुनिया के सब लोग यही बोलेंगे, सचमुच यीशु परमेश्वर का पुत्र है। पर उस समय उनका विश्वास करना, उनका अंगीकार करना, उनकी आत्माओं को बचा नहीं पाएगा। विश्वास करने का समय आज है। जब यीशु को बादलों पे आता हुआ दुनिया देखेगी ना,
जब पूरी दुनिया यीशु को बादलों पे आता हुआ देखेगी, कैसे पूरी शक्ति और पूरी महिमा के साथ, जब देखेगी सारी दुनिया घुटने टेक लेगी और सारी दुनिया बोलेगी ये परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, हालेलुया। लेकिन उस समय उनका अंगीकार करना, उस समय उनका मान लेना उनकी आत्माओं को स्वर्ग नहीं लेके जाएगा। उनका कन्फेस करना, उनका मान लेना सिर्फ और सिर्फ इसलिए होगा ताकि हमारे प्रभु की महिमा बढ़ती चली जाए। हमारे प्रभु की महिमा को बढ़ाने के लिए उनका अंगीकार करना होगा। लेकिन अगर उद्धार पाना है, छुटकारा पाना है, अगर पापों की क्षमा चाहिए, तो विश्वास करने का समय आज है, उस समय नहीं। और इसलिए पहले और दूसरे क्रिसमस में अंतर है। पहले क्रिसमस में मौज मस्ती होती है, लोग शराब पीते हैं, लोग घूमने जाते हैं, लोग अपने बच्चों को सेंटा क्लॉस के साथ फोटो खिंचवाते, बहुत कुछ करते हैं, हम भी बहुत कुछ करते हैं। लेकिन दूसरा क्रिसमस मेरे भाइयों बहनों फर्क होगा, अलग होगा। संसार के लिए जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं ग्रहण किया, नहीं पहचाना, नहीं जाना, उनके लिए डरने और कांपने का दिन होगा। परंतु हमारे लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो कैसा दिन होगा अभी हम देखेंगे। अब 28 में देखिए सब लोग। परंतु जब ये घटनाएं घटने लगे, हाँ? तो सीधे होकर अपने सिर उठाना। हालेलुया। क्या करना? जो लोग प्रभु को नहीं जानते उनके लिए क्या है? वो डरेंगे, कांपेंगे। लेकिन जो प्रभु को विश्वास करते हैं उनके लिए क्या है? तुम अपने सरों को उठा सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग जो यीशु मसीह पे, बाय द वे, हमारी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है कि देखो हम विश्वास करते हैं। जी प्रभु ने हम विश्वास करते हैं क्योंकि प्रभु ने हमको चुन लिया है। तुमने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने तुमको चुना है। इसलिए ये प्रभु की दया है कि आप आज उसके भवन में बैठे हैं। ये प्रभु की दया है कि आप उसके पुत्र और पुत्री कहलाए जाते हैं। संसार के लिए डरने, कांपने, भय का समय होगा। लेकिन जब दूसरा क्रिसमस आएगा तो विश्वासी लोगों के लिए तुम सर उठा के, अपना सर ऊंचा करके, तो अपनी तुम चल सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ। हालेलुया। आगे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। हालेलुया। जब यीशु वापस आएगा वो दिन हमारे लिए किस बात का दिन होगा? हमारे छुटकारे का दिन होगा। हालेलुया। हमारे लिए सर उठा के चलने का दिन होगा। आज हम प्रभु यीशु के बारे में किसी को बताते हैं, लोग हंस सकते हैं, लोग हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, हमें शर्मिंदा किया जा सकता है। आज हर कोई, मैं हमेशा कहता हूं, आपके विश्वास की कोई भी तारीफ नहीं करेगा। लेकिन उस समय हमारे अंदर एक घमंड होगा। हालेलुया। क्योंकि जिस चीज को हम सारी उम्र मानते आए, आज हम उस मनुष्य को, उस परमेश्वर को अपनी आंखों से देख रहे हैं। हालेलुया। उस दिन हम घमंड कर सकते हैं, उस दिन हमारे अंदर और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हमने सही बात पर विश्वास किया। हालेलुया। विश्वासियों के लिए वो एक जीत का दिन होगा, सत्संग में आने वालों के लिए। हालेलुया। आपके लिए वो जीत का दिन होगा, आपके लिए छुटकारे का दिन होगा। उस दिन यीशु संसार की भीड़ में से अपनी भीड़ों को अलग कर देगा। हालेलुया। उस दिन वो अपने विश्वास, अपने डरवैयों को जो उस पर विश्वास करते हैं, उस दिन वो अलग करेगा और अपने साथ हमको लेके चला जाएगा। ये बाइबल की सच्चाई है जिस पर हम विश्वास करते हैं और जिसका हम प्रचार करते हैं। उस दिन हमारे लिए वो घमंड का दिन होगा। उस दिन आपको मालूम है एक बार क्या हुआ? यीशु मसीह ने अपने मरने से पहले अपने 3 चेलों को लिया, कौन कौन से? पतरस, याकूब और यूहन्ना। और यीशु मसीह उनको पहाड़ पे ले गया, और मालूम पहाड़ पे क्या हुआ? यीशु मसीह तो मनुष्य के रूप में था, लेकिन उस पहाड़ पर यीशु का रूप बदल गया और उन्होंने यीशु को उसकी हूबहू स्वर्गीय महिमा में देख लिया, पूरी महिमा में देख लिया। लिखा है कि यीशु के कपड़े इतने सफेद हो गए, कोई भी इतने सफेद कपड़े इस दुनिया में कर नहीं सकता। यीशु को उसकी पूरी महिमा में, सुनिए ध्यान से, जिस महिमा में यीशु ने पतरस, याकूब और जिस महिमा को पतरस, याकूब और यूहन्ना ने देखा, उस महिमा को दूसरे क्रिसमस में विश्वास करने वाले हम लोग देख सकते हैं। हालेलुया। वो महिमा जिसके लिए हम, अगर हम आज पढ़ते हैं बाइबल में, हम केवल सोचते हैं कैसा होगा वो दृश्य जब यीशु का रूप बदला था, कैसा होगा वो दृश्य, कैसा होगा वो दर्शन जो इन 3 लोगों ने पाया, हम भी पाएंगे जब यीशु वापस आएगा। हालेलुया। हम अपनी आंखों से अपने प्रभु को देख सकते हैं, वो कैसा दिखता है, हम अपनी आंखों से उस प्रभु के दर्शन कर सकते हैं।
अंतिम क्रिसमस सबके लिए नहीं होगा मेरे दोस्तों। पहला क्रिसमस सारी दुनिया मनाती है, लेकिन सचमुच दूसरा क्रिसमस जो अंतिम क्रिसमस है, उसका लाभ सिर्फ विश्वास करने वालों को मिलेगा। क्या आप विश्वास के माध्यम से तैयार हैं? यीशु ने इनको बताया कि ये जरूर होगा। आगे पढ़ें 29 में। तब उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। यीशु ने उनको एक कहानी सुनाई। अंजीर के पेड़ और अन्य सब पेड़ों को देखो। तुम जो पेड़ होते हैं, पेड़ों को देखो। जो ही उनमें कोपलें आती हैं। जैसे वो हल्के हल्के जो होते ना कोपलें, जहां मतलब पत्ते निकलने वाले हैं, ओके। तुम देखकर स्वयं जान जाते हो। तुमको पता चल जाता है कि अब ग्रीष्म काल निकट आ गया कि अब जो गर्मियों का मौसम निकट है, ओके। इसी प्रकार तुम भी जब ये सब होते हुए देखो। हाँ, यीशु मसीह ने इसमें बहुत सारे चिन्ह दिए थे, और यीशु ने कहा जैसे कि अकाल होगा, बहुत सारे भूचाल आएंगे, भूकंप आएगा, देश देश से लड़ाई करेगा, ये सारी बातें यीशु ने कहा। जब तुम इन चीज़ों को होता हुआ देखोगे, वो एक निशानी है, समझ जाना मैं आने वाला हूँ। यीशु यहाँ पे सिखा रहे हैं जरूर ये दिन आएगा। आगे आगे पढ़े। तो जान लेना कि परमेश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक सब बातें घटित ना हो लें, इस पीढ़ी का अंत ना होगा। तो उस समय जो पीढ़ी, अब सब लोग ध्यान से सुने, ये कभी कभी बहुत से लोगों को समझ नहीं आता है। उस समय जो पीढ़ी वहां पर थी, जो यीशु के चेले थे, यीशु ने कहा जब तक ये पूरा ना हो जाए, ये पीढ़ी नहीं मरेगी। और हमने वही, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसी पीढ़ी ने यरूशलम का अंत देखा था। जब यीशु ने उनको ये बात बोली थी, उसके ठीक 40 साल के बाद यरूशलम तबाह कर दिया गया, और उनकी पीढ़ी में उन लोगों ने यरूशलम शहर के इनको नष्ट होते हुए देखा। और उसके ठीक और 50 साल के बाद दूसरी बार यरूशलम पर रोम ने अटैक किया, और वो भी दोबारा से और अधिक नष्ट हो गया। इसका मतलब यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? जो मैं बोल रहा हूं वो जरूर पूरा होगा। मेरे भाइयों बहनों, आज हम सब के लिए सावधान होने का समय है। आज हम सब के लिए सीरियस होने का समय है। आज हम सब के लिए ये जानने का समय है कि पहले क्रिसमस के मौज मस्ती में और सेलिब्रेशन में इतने ज़्यादा मगन नहीं होना कि दूसरे क्रिसमस की तैयारी करना भूल जाएं। यीशु के दोबारा आगमन के लिए हमें तैयार रहना है। हालेलुया। आगे यीशु ने क्या बोला? आकाश और, पढ़े जरा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। यहाँ पे यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं? आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, पर मेरा वचन कि मैं दोबारा आने वाला हूँ नहीं टलेगा। अगर मैंने कहा मैं दोबारा आने वाला हूँ, विश्वास करो, तैयारी करो, मैं आने वाला हूँ। इसके बाद यीशु मसीह ने उनको बोला कि उनको अब क्या करना चाहिए। सामने देखें आप स्क्रीन पर, अंतिम क्रिसमस के लिए इंतज़ार करते हुए हमें क्या करना चाहिए। पहली बात जो हमें करनी है, वो यीशु ने उसी पैसेज में हम देखते हैं आगे लूका 21 के 34 में बताया। पढ़ें। सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे हृदय दुराचार, पियक्कड़पन और जीवन की चिंताओं के भार से तब। दुराचार, पियक्कड़पन अर्थात पाप। सावधान रहो और पाप मत करो। बस सावधान रहो और पाप मत करो, कि ये है तैयारी। यीशु के दोबारा आने की तैयारी ऐसी ही लगती है। पता, जो पहला क्रिसमस है उसकी तैयारी कैसे लगती है? पहले क्रिसमस की तैयारी में क्या होता है? अभी उमा बहन पीछे बैठी हुई है, अभी वो 50 किलो केक बनवाएगी पूरे 2000 लोगों के लिए। ऐसा होता है पहला क्रिसमस, हम केक बनाते हैं, हम कपड़े खरीदते हैं। आज मैं एक दोपहर में एक घर में गया, उस भाई ने मुझे बोला कि मैंने अपना शर्ट पैंट टेलर को दे दिया है। मैंने बोला मैं भी देने वाला हूँ। हम सब ऐसे ही करते हैं, हमारे लिए ये क्रिसमस ऐसे ही है। पहले क्रिसमस की तैयारी लोग ऐसे ही करते हैं। जब यीशु मनुष्य बन के इस दुनिया में आया, उस क्रिसमस की तैयारी हम ऐसे ही करते हैं। हमें कम्युनिटी सेंटर में टेंट वाला बुक करना है, हमें साउंड वाला बुक करना है, हमें 2000 लोगों के लिए कॉफ़ी बनानी है, हमें केक बनाना है, हमें टिकट बेचनी है, हमें लोगों को प्रोग्राम में लेके आना है, हम इसमें लगे हुए हैं। पर ये पहले क्रिसमस की तैयारी है। लेकिन दूसरे क्रिसमस की तैयारी के अंदर कोई प्रोग्राम, बैंड बाजा नहीं होता।
अगर आपको यीशु मसीह के दोबारा आगमन की तैयारी करनी है, यीशु ने खुद कहा, सावधान रहो और पियक्कड़पन से बचो, अलग अलग तरह के पापों से बचो। अर्थात यीशु मसीह यही कह रहे हैं, सावधान रहो और पाप मत करो। ये है तैयारी मेरे भाइयों बहनों। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर आप विश्वास तो करते हो, आप लोग विश्वास तो करते हो कि यीशु मसीह है और यीशु मसीह वापस आएगा, कितने लोग विश्वास करते हैं? हम सब विश्वास करते हैं मेरे भाइयों बहनों। मैं नहीं कह रहा आपको कि आप विश्वास नहीं करते, आप विश्वास करते हो, पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, पवित्र जीवन जी रहे हो? विश्वास तो करते हो। मैं आप में से किसी को नहीं बोलूंगा कि आप विश्वास नहीं करते। आपका विश्वास है प्रभु को प्यारा है, आपका विश्वास है आपके लिए अच्छा है, पर प्रभु ने कहा अगर तुम विश्वास करते हो कि मैं वापस आने वाला हूं, तो तुम पाप के साथ खिलवाड़ नहीं करोगे, तुम पाप के साथ रोमांस नहीं खेलोगे, तुम छुप छुप के गंदा जीवन नहीं जियोगे, तुम छुप छुप के गंदे काम नहीं करोगे, तुम झूठ नहीं बोलोगे, तुम लड़ाई नहीं करोगे, तुम ईमानदारी के साथ अपना लेन देन करोगे, तुम अपने मोबाइल पर गंदी तस्वीरें नहीं देखोगे, तुम अपने मुंह से किसी को गाली नहीं दोगे, तुम अपने मुंह से श्राप नहीं दोगे, तुम किसी के प्रति नफरत की भावना नहीं रखोगे। क्या ये कर रहे हो? विश्वास में तो हम टिक हैं, हाँ जी हम विश्वास करते हैं, पर प्रभु ने कहा अगर तुम विश्वास करते हो कि मैं वापस आने वाला हूं, तो फिर तुम पाप मत करो। इनफैक्ट इसमें लिखा है कि कहीं तुम इन चीजों से दब ना जाओ, गिर ना जाओ। इससे हम क्या सीखते हैं? सुनो ध्यान से, पाप हमेशा हमें गिराना चाहता है, पाप कभी भी आपको ऊंचा उठाने के लिए नहीं होता। पाप का जो लक्ष्य है वो है आपको नष्ट करना, पाप का जो लक्ष्य है वो है आपको नीचे गिराना, आपको नीचे रखना, ये पाप का लक्ष्य है। परमेश्वर की आपके लिए बुलाहट क्या है? परमेश्वर ने आपको बुलाया है ऊंचे उठो, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें उकाबों की नाई ऊपर उठाना चाहता हूं, मैं चट्टान पर तुम्हारा पैर रखना चाहता हूं। परमेश्वर आप लोगों को ऊंचा उठाना चाहता है, आप लोगों को पवित्रता में, प्रेम में, सेवा में, इन सारी बातों में, भक्ति में, प्रार्थना में, चमत्कारों में, इन सारी चीजों में परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है। पाप क्या करना चाहता है? आपको नीचे धकेलना चाहता है। क्या आप पाप के साथ लड़ाई कर रहे हो? क्या आप पाप को अपने जीवन में नहीं 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 बोल करके अपने जीवन में पाप को खत्म कर रहे हो? विश्वास तो कर रहे हो। और मैं आप लोगों से सवाल आपके विश्वास के ऊपर नहीं उठा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको यह सोचने पर मजबूर कर रहा हूं कि क्या आप पवित्र हो? पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, शास्त्र में लिखा है। बुलाने वाले ने बुला लिया, हम चले गए, पर क्या पवित्र बन रहे हैं? मेरे भाई बहनों, परमेश्वर आपको पवित्र शुद्ध देखना चाहता है। उसने अपने बेटे यीशु के लहू से धोकर के आपको शुद्ध कर दिया है, पर क्या उस शुद्धता में, उस पवित्रता में, उस सिद्धता में क्या आप चलना चाहते हो, या आप समझौता कर रहे हो दुनिया के साथ, संसारिकता के साथ? हर रोज फ्रेंडशिप करते हैं, हर रोज एक सीक्रेट रोमांस करते हैं हम। बाइबल बताती है जो पाप के साथ मन ही मन प्रेम करता है उसका कभी भी कल्याण नहीं होगा। बाइबल बताती है कि जो अपने पापों को मान लेता है और उसे छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो अपना पाप मान लेता है और उसे छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आज हम क्या कर रहे हैं? वी आर ओनली कन्फेसिंग बट वी आर नॉट रिनाउंसिंग। हम केवल पाप को मान रहे हैं लेकिन हम उसको छोड़ नहीं रहे हैं। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन कन्फेशन एंड रिनाउंसिएशन। मानने को और छोड़ने के बीच में अंतर है मेरे भाइयों बहनों। आप में से बहुतों ने बहुत सारे पापों को मान लिया है पर छोड़ा नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा सावधान रहो और पाप मत करो। इस वचन को दोबारा पढ़ दें, 34 को। सावधान रहो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे हृदय दुराचार दुराचार
पियक्कड़पन और जीवन की चिंताओं के दूसरी बात सामने देखें। अगर आपको क्रिसमस की तैयारी करनी है, अगर आपको दूसरे क्रिसमस की तैयारी करनी है, क्या करना है आपको? सावधान रहो और चिंता मत करो। दो चीजें हैं मेरे भाइयों बहनों जो आपको नीचे गिराती हैं। देयर आर टू थिंग्स दैट वे यू डाउन, जो आपको नीचे खींचती हैं, आपका आपकी आत्मा तोड़ने वाली चीजें, आपका विश्वास गिराने वाली चीजें, आपके आपको अंधकार में धकेलने वाली चीजें, आपको डिप्रेशन में डालने वाली चीजें। एक चीज तो पाप है डेफिनेटली, लेकिन दूसरी चीज चिंता है। इसके बारे में हम ज्यादा नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं पाप गलत है, चिंता करना भी पाप है। प्रभु ने कहा मैं आने वाला हूं, तो तुम चिंता क्यों करते हो? अगर आप विश्वास करते हो कि प्रभु वापस आने वाला है, आपके जीवन में चिंता नहीं होनी चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं समस्या के बावजूद चिंता नहीं होनी चाहिए। मसीही में हमेशा से बोलता आया हूं, मसीही जीवन खुशियों से भरा हुआ जीवन नहीं है। मसीही जीवन परमेश्वर की आशीषों से धन्य होने वाला जीवन है, समस्याओं के बीच में भी। वचन में लिखा हुआ है फिलिपियों की पत्री में दूसरे अध्याय में, तुम किसी भी बात की चिंता मत करना, परंतु धन्यवाद के साथ अपनी सारी चिंताएं प्रार्थना के द्वारा प्रभु को चढ़ाना, और वो तुम्हें एक ऐसी शांति देगा जो समझ से भी परे है। आप जब किसी चिंताओं में होते हो, तो आप लोग किसी चिंता में होते हैं, वो चिंता आपके प्रार्थना करते साथ चुटकी भर में खत्म हो जाए, इस चीज की गारंटी बाइबल नहीं देती। सब लोग सुन रहे हैं? जो सुन रहे हैं हाथ उठा लें, ताकि मैं चाहता हूं कि आप लोग जाने कि मैं क्या बोल रहा हूं। जो जो समस्या आपके जीवन में है, वो आपके प्रार्थना करते चुटकियों में चले जाए, बाइबल इस बात की गारंटी नहीं देती है। लेकिन एक चीज की गारंटी देती है, जब आप समस्या के बीचों बीच हैं, जब आप बहुत बड़ी टेंशन के बीच में हैं, उसमें जब आप प्रार्थना करते हैं, उसी समय इंस्टेंटली उसी समय एक चीज का वायदा बाइबल करती है। क्या है? समझ से परे, मतलब अद्भुत स्वर्ग वाली शांति उसी वक्त आपको दे दी जाएगी। हालेलुया। और जो छुटकारा है, जो समस्या का समाधान है, वो परमेश्वर अपने समय पर पूरा करता है। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का समय आपके समय से ज्यादा अच्छा है। परमेश्वर का समय आपके समय से ज्यादा अच्छा है। इसलिए परमेश्वर को जिद मत करो, परमेश्वर मुझे अभी दे। परमेश्वर के उचित समय का इंतजार करो। परमेश्वर कभी भी देरी नहीं करता। सेक्टर 14 में हमने बच्चों के लिए, चर्च के बच्चे नहीं, गली मोहल्लों के आसपास के जो लोग हैं, उनके जो लोग प्रभु को नहीं जानते, उनके बच्चों के लिए हमने चार संडे का प्रोग्राम रखा है। आज वो पहला संडे था। आपको मालूम है कि हमने सोचा कम से कम 30 बच्चे आ जाएंगे और हम उन बच्चों के लिए प्रोग्राम करेंगे। आपको मालूम है क्या हुआ? हमने कार्ड छपवाए, हमने लोगों को बताया, हमने रिक्वेस्ट किया अपने बच्चों को भेजो, शुक्रवार तक एक भी बच्चे का फोन नहीं आया था। शुक्रवार तक एक भी बच्चे का नाम लिखवाने का किसी ने फोन नहीं किया, हमारे बच्चे आएंगे। हमने कहा था कि आप अपना नाम लिखवाना ताकि हम तैयारी कर सकें। शुक्रवार के दिन एक ब्यूटी पार्लर वाली लेडी का फोन आता है, जिसे हमने कहा था कि आप अपने दोस्तों को बोलो। सॉरी, शनिवार के दिन वो लेडी हमको फोन करती है, उसने क्या बोला, 33 बच्चे मेरे ब्यूटी पार्लर से आएंगे प्रोग्राम में। हालेलुया। हमें केवल विश्वास का कदम आगे रखना चाहिए, हमें केवल प्रभु के लिए आगे बढ़ना चाहिए। समय, उसका समय, हमें क्या लगता सोमवार को हमें तैयारी करनी है, तो प्रभु हमें मंगलवार तक बता दो कितने बच्चे आएंगे ताकि तैयारी करें। प्रभु ने क्या बोला, बेटा तू शुक्रवार तक तैयारी कर, तुझे एक भी बच्चा नहीं मिलेगा, लेकिन शनिवार को मैं तुझे बताऊंगा तुझे कितने बच्चे मिलेंगे। आपको मालूम है आज कितने बच्चे आए? 33 नहीं आए, 35 नहीं आए, 40 नहीं आए, 45 नहीं आए, 50 नहीं आए, 55 बच्चे आज वहां पर आए। हालेलुया। मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। आज का दिन मेरे लिए सेक्टर 14 को लेकर बहुत खुशी का दिन है। 54 लोग हमारे चर्च में नहीं थे जितने दूसरी बिल्डिंग में बच्चों का प्रोग्राम चल रहा था। हालेलुया।
परमेश्वर बहुत महान है मेरे भाइयों बहनों, आपके जीवन में जो चिंताएं हैं परमेश्वर को बता के छोड़ दो। वो हमारा पिता है, वो हमारा फादर है, वो केवल एक खड़ूस भगवान नहीं है बैठा हुआ वहां पर जो केवल हमारी आराधना लेने के लिए बैठा हुआ है, वो प्रेम करने वाला पिता है। एक पिता अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता है। जो लोग यहाँ पे पिता हैं, मैं उनको देखता हूँ कैसे अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं। क्या हमारा पिता नहीं करेगा? संसार के पिता से अच्छा वो अनंत पिता है, स्वर्गीय पिता है। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपका ध्यान रखता है। चिंता के द्वारा शैतान आपको परमेश्वर के दर्शन करने से रोकता है। इसलिए अगर आप क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं तो पहला काम क्या करो, सब पढ़ें, यहां से पढ़ें, सब यहां से पढ़ें शुरू से। ओके, अंतिम क्रिसमस के लिए इंतजार करते हुए हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सावधान रहो और पाप मत करो। दूसरी बात, सावधान रहो और चिंता मत करो। तीसरी बात, यह कौन सा वचन है? लूका 21 का 35 का दूसरा हिस्सा। अभी हम देखते हैं 36 में यीशु ने क्या कहा, क्या कहा पढ़ें। परंतु तुम हर समय सावधान होकर प्रार्थना में लगे रहो। क्या कहा प्रभु ने? तीसरी बात, सावधान किस चीज की है? सामने देखें, सावधान रहो और प्रार्थना करो। खत्म करते हैं यहां पर। मेरे प्यारे 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 सत्संग के लोगों, मेरे भाई बहनों, जो व्यक्ति प्रभु यीशु के पुनरागमन का, प्रभु यीशु मसीह के वापस आने का इंतजार करता है, सच्चे दिल से जो विश्वास करता है कि यीशु आएगा, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होगा। क्या आप एक प्रेयरफुल व्यक्ति हैं? क्या आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं? क्या आप परमेश्वर की बातों के लिए प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं? क्या आप हर रोज परमेश्वर को समय देने वाले व्यक्ति हैं? प्रभु ने कहा, और अपनी अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए शक्ति को मांगना, क्या वो क्या आप हैं कि प्रभु तू आने? प्रभु ने क्या कहा, किस बात के लिए प्रार्थना करो? हम सुन लेते हैं, पढ़े। परंतु तुम हर समय सावधान होकर प्रार्थना में लगे रहो, जिससे कि इन सब बातों से बच निकलने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए तुम में सामर्थ हो। समझ में आया आप लोगों को? आपको किस चीज के लिए प्रार्थना करनी है? प्रभु मुझे सामर्थ दे, तेरे आने के दिन के लिए मैं तैयार हो जाऊं। जब तू आएगा प्रभु, तेरे सामने खड़ा हो पाऊं, मेरी मदद कर, मेरी आत्मा को मजबूत कर, मेरे विश्वास को मजबूत कर। जहां जहां मेरा विश्वास कमजोर है, तू मेरा धुंधलापन दूर कर, मैं तुझे पूरी तरह से समझ पाऊं। मेरे परमेश्वर, मेरे विश्वास को बढ़ा। कभी आपने प्रार्थना की है ऐसे, प्रभु मेरा विश्वास डगमगा रहा है, मेरी मदद कर, इस प्रकार कभी आपने प्रार्थना की है? उस अंतिम दिन की तैयारी के लिए हमें प्रार्थना करनी है। कोई क्रिसमस ट्री नहीं है, कोई सेंटा क्लॉस नहीं है, कोई मॉल में जाके बहुत सारी शॉपिंग नहीं है, कोई सजावट नहीं है, कोई बहुत सारा बैंड बाजा, कोई डांस नहीं है, कुछ नहीं है। एक ही चीज़ है, प्रभु का आना और हमारा झुक जाना, बस यही है। क्या उसके लिए तैयार हो? जो जो विधवा की कहानी जो प्रभु ने बताई लूका 18 में, उसमें प्रभु ने एक बात कही, ध्यान से सब सुने। प्रभु ने एक कहानी सुनाई और अंत में क्या बोला कि जब मैं वापस आऊंगा, क्या इस धरती पर मैं विश्वास पाऊंगा? दिस इज व्हाट जीसस सेड, ये बोला प्रभु ने। जब प्रभु वापस इस दुनिया में आएगा, क्या ढूंढता हुआ आएगा? आपके दिल का विश्वास देखता हुआ आएगा। पर प्रभु ने कहा, जब मैं वापस आऊंगा, क्या मैं विश्वास पाऊंगा? मेरे भाइयों बहनों, आपका विश्वास का जीवन कैसा है? आपके विश्वास का स्तर क्या है? आपके विश्वास की क्वालिटी क्या है? आपका विश्वास का साइज क्या है? किसके ऊपर है आपका विश्वास? किसके ऊपर है आपका भरोसा? इन चीजों का जवाब देना है आपको। वो डाकू जो यीशु मसीह के एक तरफ में, जो यीशु मसीह के साइड में, यीशु मसीह के साथ जिस डाकू को मारा गया, दो डाकू थे, उनमें से एक डाकू ने मरते मरते यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। आपको मालूम है कि वो डाकू जिसने अंतिम मरते दम पे विश्वास किया, उसने बाइबल का एक भी पन्ना नहीं पढ़ा, वो एक भी चर्च में, एक भी मीटिंग में नहीं गया, एक भी सत्संग उसने अटेंड नहीं किया, एक भी उपवास प्रार्थना उसने नहीं करी, पर उसने एक प्रार्थना मरते दम पे की, जो प्रार्थना आपको और मुझे जीते जी करनी चाहिए। क्या प्रार्थना की उसने?
यीशु मुझे याद रखना जब अपने राज्य में तू वापस आएगा। मैं सोचता हूं वो सारी उम्र डाकू था, सारी उम्र उसने लोगों को लूटा मारा, जने क्या क्या उसने किया, उसके पास इतनी बुद्धि कैसे आ गई? आपका चाहे पास्ट जैसा भी हो, आपका बीता हुआ कल जैसा भी हो, जिस समय आप प्रभु के सामने आ जाते हैं बुद्धिमान बन जाते हैं और सही बात की प्रार्थना करने लगते हैं। अमेज्ड हूं मैं, यू नो, विश्वासी लोग अपनी प्रार्थना में ऐसे बढ़ते हैं। विश्वासी लोग अपनी प्रार्थना की जो क्वालिटी होती है उसमें इस प्रकार वो ग्रो करते हैं। अभी नए नए विश्वासी प्रार्थना करनी नहीं आती, ऐसे बहुत से लोग मुझे मिले हैं, भैया मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती, एक साल के बाद प्रार्थना कर रहे होते हैं, फिर एक और साल के बाद प्रार्थना का स्तर क्या है, ऊपर उठता है। लेकिन डाकू की प्रार्थना का स्तर बहुत ऊंचा था। क्या प्रार्थना कर रहा है प्रभु ने, उसने शिक्षा नहीं पाई थी, उसको किसी पौलुस ने आकर के, किसी चेले ने आकर के, इवन यीशु ने आकर के उसको किसी ने प्रचार नहीं किया था। इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। वो यीशु को मरते हुए देख रहा है पर वो अपनी आत्मा में जान चुका है ये यीशु जो क्रूस पे मर रहा है दुनिया में वापस आएगा। उसे कैसे पता चला? मेरे भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर रहता है स्वर्ग के भेद हमें खोल देता है। मरते दम पे वो विश्वासी बना, भविष्य में क्या होने वाला है बिना किसी के बोले उसको पता चल गया। यही यीशु जो मेरे साथ मर रहा है क्रूस पे, ये दुनिया का राजा है और ये वापस आएगा। और उसको क्या लगा, मुझे तैयारी करनी है। और वो प्रार्थना करता है, यीशु मुझे याद रखना जब तू वापस इस दुनिया में आएगा। आई डोंट नो आप अपनी चिंता करते हो कि नहीं करते हो, आप लोग बहुत चिंता, मैं भी, हम सब बड़ी चिंता करते हैं हमारे बैंक बैलेंस की, हमारे बिल भरने की, हमारे बच्चों को सही शिक्षा देने की, हमारे टैक्स बचाने की, और हमारे कपड़े यू नो अच्छे हों। मतलब हम कितनी चिंता करते हैं, हम कैसे दिखते हैं, हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ, वो बिल भरा कि नहीं भरा, उसका किराया देना है, हम कितनी चिंता करते हैं। क्या इस बात की चिंता करते हैं कि जब प्रभु आएगा वापस, क्या वो हमें अपना कह के बुलाएगा कि आजा तू मेरा है? दीवाने बनना है प्रभु के, प्रभु के लिए पागल होना है, प्रभु के लिए हमें तैयार होना है। मेरे भाइयों बहनों, मैं यही चाहता हूं कि हम सत्संग के लोग कोई भी उस दिन पीछे ना रहे, हम प्रभु के साथ हों। अपने आप को तैयार करो मेरे दोस्तों, क्योंकि प्रभु कल आ सकता है, आज रात को आ सकता है। 25 दिसंबर का दिन जब हम पहला क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, उसके पहले दूसरा क्रिसमस हो सकता है, प्रभु किसी भी घड़ी आ सकता है। जब प्रभु ने 10 कुमारियों की शिक्षा दी तो प्रभु ने वो शिक्षा की कहानी का अंत कैसे किया, ये बोला प्रभु ने, वॉच, सावधान रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते किस घड़ी और किस पल मनुष्य का पुत्र वापस आएगा, कोई नहीं जानता। सो मैं दोस्तों, मैं आपको यही पूछ रहा हूं, क्या आप तैयार हो? क्या आप प्रभु के वापस आने के लिए तैयार हो? क्या आप अपनी आत्माओं की चिंता करते हो उस डाकू के समान जिसको अपनी आत्मा की चिंता थी? दुनिया में खो नहीं जाना है दोस्तों, दुनिया है ही ऐसी, हमें खींचने वाली, हमें वापस ले जाने वाली। जब मैं आप में से ऐसे लोगों को देखता हूँ ना जो बड़े जोशीले हैं, उसी वक्त मैं देख के अपने मन में एक प्रार्थना करता हूँ, प्रभु ये तेरे लिए अपना जोश कहीं कम ना कर दे। क्योंकि ऐसा होता है विश्वास में आने के बाद 2-3 साल तक हमारा जोश बना रहता है, बाद में हम फुस हो जाते हैं, गिर जाते हैं। क्यों? सावधान रहने के लिए प्रभु ने पहले ही कहा था, ऐसे ना हो कि तुम गिर जाओ, नीचे दब जाओ पाप के कारण और चिंता के कारण, इसलिए तुम प्रार्थना करो। उसने कहा, प्रभु मुझे याद रखना जब तू वापस इस दुनिया में आएगा, अपने राज्य में वापस आएगा। इट्स अमेजिंग उसने क्या कहा, जब तू अपने राज्य में वापस आएगा। उसको पता है, उस डाकू को पता चल गया कि यीशु दोबारा आएगा तो क्या करने के लिए आएगा, राज करने के लिए आएगा। हालेलुया। खत्म करते हैं, बस ध्यान रखें इस बात का, पहला क्रिसमस मनाओ, ओके? यीशु बालक के रूप में इस दुनिया में आया, मनाओ, खूब इंजॉय करो, सेवा भी करो, सुसमाचार प्रचार करो, लेकिन ये चीजें ज्यादा जरूरी हैं। कौन सी चीजें? खत्म करते हैं, पहली चीज क्या है, सब लोग पढ़ेंगे जोर से, सावधान रहो और पाप मत करो,
सावधान रहो और चिंता मत करो, सावधान रहो और प्रार्थना करो।